हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेल फर्स्ट टूर पैकेज। मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं जो भी कंसल्टेंसी कॉल बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी कॉल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरी वीडियो आ जाएंगी। तो यहाँ पे 30 मिनट कंसल्टेंसी कॉल ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड आप बुक कर सकते हैं। तो मेरे पास काफी कॉल्स आती है राजस्थान से, उत्तराखंड से, अंडमान निकोबार से, कि हमें ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से सप्लायर से कांटेक्ट करने हैं, किस तरीके से बेस्ट B2B कनेक्शंस बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेट करनी है, कस्टमर लेके आने, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, और कैसे मॉनिटर करना है ताकि हमारे कस्टमर को बेस्ट सर्विस मिल सके, वो हमें रेफर करे और दोबारा से हमारे से ही सर्विस ले। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका लिए वो कंसल्टेंसी कॉल फिर बुक करते हैं। तो इस वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट टूर पैकेज किस तरीके से सेल किया जाता है, क्योंकि एक बार फर्स्ट टूर पैकेज आपने सेल कर दिया, आपने देखो यही सबसे मुश्किल होता है, फर्स्ट चीज करना। एक बार अगर आपने वो चीज कर दी तो उसके बाद से फिर आपको स्काई इज द लिमिट। उसके बाद आप सोचोगे कि मुझे अब और दोबारा से इस डेस्टिनेशन के पैकेजेस बेचने हैं, और डेस्टिनेशंस को ऐड करना है। अभी एक टूर पैकेज है आपके पास, एक डेस्टिनेशन है, आने वाले टाइम में हजारों डेस्टिनेशंस के टूर पैकेजेस आप बेच रहे होंगे। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना। जैसे कि ये कोट कितना इंपॉर्टेंट है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद वन स्टेप। तो वो वन स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट टूर पैकेज है, किसी भी फील्ड में जाओ फर्स्ट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टूर पैकेजेस आपको कैसे सेल करना है, जैसे मैं जब सेट्टे में गया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझसे एक मिले थे मेरे सब्सक्राइबर ही, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी लाइक ट्रेवल एजेंसी स्टार्ट की, और उसके बाद अपने जो है स्टेटस वगैरह लगा के शेयर करके कि गोवा के पैकेजेस में डील करते हैं। तो वहां से जो भी फैमिली फ्रेंड्स थे इनसे कॉन्टेक्ट किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने उनको फर्स्ट पैकेज सेल किया। तो उसमें जो इनका प्रॉफिट ये बता रहे थे, तो 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक पैकेज को सेल करने में। तो इन्हें लगा कि यार ये तो कितनी बढ़िया चीज है, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, वहां पे मेरे कनेक्शंस थे, मेरे पास लीड आई, उनको पैकेज फॉरवर्ड किया और उनको कन्वर्ट हो गया, और उससे फिर मेरे को 5000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये कितनी बढ़िया चीज है कि मैं बार बार उस लोकेशन को सेल कर सकता हूं, और अब और ऑप्शंस भी ऐड कर सकता हूं, अपने अदर अदर लोकेशंस के पैकेजेस ऐड कर सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउ टू सेल फर्स्ट टूर पैकेज। तो इसी की बात करने वाले हैं हम। जैसे कि आपको पता है ट्रेवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, इस पे आपको फोकस करना है बहुत इंपॉर्टेंटली। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ट्रेवल एजेंसी बिजनेस मॉडल होता क्या है, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो टूर पैकेजेस होते हैं। जिन टूर पैकेजेस को हमें सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील करनी है। आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस लोकेशन में आपको आपकी नॉलेज है, जो आपको उस डेस्टिनेशन की नॉलेज है, या आपको उस डेस्टिने वो डेस्टिनेशन पसंद है, तभी आप उस डेस्टिनेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको उसको अच्छे से सीख सकते हैं, और आप उसके टूर पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। डे वाइज आइटनरी, कौन कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे स्टे करना है, क्या कौन कौन से रेस्टोरेंट है, किस तरह का कल्चर है वहां का, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो वहां के वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, होटेलियर्स हैं, एक्टिविटीज प्रोवाइडर है, कार कैब जो ओनर है, उनसे आपको टाई अप्स करने हैं और अपने पैकेजेस बनाने हैं। ये आपका प्रोडक्ट सर्विस हो गया। उसके बाद उन टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करनी है ताकि आपके पास लीड्स आए। मार्केटिंग करने के बाद जो लीड्स आएंगे वो सेल्स करनी है आपको, ताकि उन जो लीड्स आई है उनको सेल में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद ऑपरेशन हैंडल करना है आपको, कि ऑपरेशन हैंडल करना है कि डे वाइज आइटनरी आपको पूरा मॉनिटर करना है कि कब क्लाइंट जा रहे हैं, कहाँ से पिकअप है, कहाँ से ड्रॉप है, कब चेक इन हो रहा है, चेकआउट हो रहा है, क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट ट्रेवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। सभी के अलग अलग पिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स की अलग टीम होती है, ऑपरेशन की अलग, मार्केटिंग की अलग, टेक्नोलॉजी की अलग, टूर पैकेजेस वाली अलग, जो कंप्लीट क्रिएट करती है। पर स्टार्टिंग में जब आप जब सिंगल पर्सन हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट पैकेज को सेल करना चाह रहे हो, तो सारा काम आपको ही फोकस करना है। टूर पैकेजेस क्रिएट करना, मार्केटिंग देखना, अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, आप जितनी भी लीड्स आ रही है आप उसको एक्सेल शीट में मैनेज कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, उन जो लीड्स आ रही है उनसे बात करना, उनको ऑपरेशन हैंडल करना, सारे काम फिर आपको ही करने हैं स्टार्टिंग में। तो बेसिकली ये ट्रेवल एजेंसी बिजनेस मॉडल होता है। तो पहले बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना डेस्टिनेशन डिफाइन करने की, किस डेस्टिनेशन के टूर पैकेज को आपको सेल करना है।
तो आपको डेस्टिनेशन डिफाइन हो गई कि आपको हिमाचल को सेल करना, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल के, फिर आपको टूर पैकेजेस कौन कौन से, हिमाचल में डेस्टिनेशन कौन सी है, मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, कुछ ऑफ बीट लोकेशन है, अब वहां के कौन से पैकेजेस ज्यादा सेल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वहां पे होटल कौन से हैं, वहां पे कार प्रोवाइडर, कार कैब प्रोवाइडर, एक्टिविटी प्रोवाइडर कौन कौन से है, रेस्टोरेंट कौन से, तो इस तरीके से आप कंप्लीट पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि मुझे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, इतना मुझे ट्रस्ट नहीं हो पाएगा अभी स्टार्टिंग में, तो आप जो वहां की कुछ कंपनीज हैं जो हिमाचल टूर पैकेजेस में डील करती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है काफी कि किस तरीके से आपको जो ट्रस्टेड B2B सप्लायर है कैसे आपको फाइंड करने हैं, तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। या जैसे आप देखते हैं कि हिमाचल और केरला में हम भी डील करते हैं काफी टाइम से, आप हिमाचल B2B सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरी वीडियोस ही दिखेंगी, आप क्योंकि हम इसमें इन टूर पैकेजेस में डील करते हैं। 100 पैक से भी ज्यादा हमने जो कस्टमर है उनको हिमाचल ग्रुप, हमने जो ज्यादा से ज्यादा अभी तक ग्रुप में डील किया वो 100 से ज्यादा लोगों को हम एक साथ लेके गए हैं हिमाचल और उनको एक्सप्लोर करवाया है। तो आप ये देख सकते हैं कॉरपोरेट ग्रुप टूर, बाकी के टूर पैकेजेस में डील करते हैं हिमाचल के। तो आपको इस तरीके से देखना है कि कौन सा ट्रस्टेड कंपनी है, B2B सप्लायर है जो आपके लिए सारा मैनेज कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मार्केटिंग और लीड्स पे और उनको कन्वर्ट करने पे फोकस करना है बस। उसके बाद बैकएंड का सारा काम जो है, आपको पैकेजेस प्रोवाइड करना, आपका ऑपरेशन हैंडल करना, सारा जो B2B कंपनी है वो हैंडल करेगी। आने वाले टाइम में जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, उसके बाद आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, होटेलियर से, कार कैब से, एक्टिविटी प्रोवाइडर से, ताकि आपको और अच्छे रेट मिलेंगे। पर स्टार्टिंग में अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करके उससे B2B रेट ले सकते हैं, उस पे अपना मार्कअप ऐड करके 5-8-10% ऐड करके फिर उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टूर पैकेजेस क्रिएट करने हैं। अब सेकंड बात आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में देखो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है, तो आप बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप सबसे पहले तो जो है मार्केटिंग का कुछ कंटेंट क्रिएट कर लें, कि अगर किसी को आपको दिखाना है या आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स या जो लोकल व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स है वहां पे भी अगर शेयर करोगे तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे। आप कुछ फ्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्लायर्स क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कैनवा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्लायर बन जाएंगे। जैसे मैं, आप यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट ये देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स मैंने सारे बताए हुए हैं काफी, जिसमें ग्राफिक डिजाइन फॉर फ्री, ये जो कैनवा आप देख रहे हैं ये कैनवा टूल से मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं। तो उसके बाद जो भी पैकेज आपने क्रिएट किया उसका आपको ग्राफिक डिजाइन बनाना है, और फिर उस ग्राफिक डिजाइन को जो आपने पोस्टर बना लिया उसको फिर शेयर करना है। अब शेयर कहाँ करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके फैमिली फ्रेंड्स लोकल, आपका जहां पे भी आप रहते हैं वहां के जो लोकल फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, लोगों को पता चलने लग गया, बार बार लगाओगे तो डेफिनेटली लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे, लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे कि मैंने अपना नया ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे, क्योंकि इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है अब जब आप स्टार्ट करेंगे, मैं देखता हूं कि कुछ जो गेस्ट है वो मनाली गए फॉर एग्जाम्पल घूमने के लिए, उन्होंने हमसे बुक किया, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी ही कंपनी स्टार्ट कर ली कि भाई किसी को शिमला मनाली जाना है तो हमसे कॉन्टेक्ट करो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आप भी कुछ इस तरीके का फ्लायर बना के तो आप शेयर कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज। तो वहां से आपके फैमिली फ्रेंड्स को पता चलेगा, या आपके ही कनेक्शन में किसी को उस लोकेशन का टूर प्लान करना है उनका आप प्लान कर सकते हैं। या अब और बात करूं तो आप व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, आप वहां पे सर्च करेंगे ट्रैवल एजेंट्स या किसी भी तरीके का आपका लोकल वहां पे ग्रुप सर्च करेंगे, उसको उसमें कनेक्ट होके वहां अपना शेयर कर सकते हैं। इसके अदर देन बिल्कुल सिंपल आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक वेबसाइट जिसपे आप नॉर्मली बस मैं हिमाचल या उत्तराखंड के टूर पैकेजेस में डील करता हूँ, सिंपल सा आपको एक लैंडिंग पेज वेबसाइट बनानी है डोमेन लेके, ताकि लोग आए और वहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सके आपके किस पैकेजेस में डील करते हैं। उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे अकाउंट क्रिएट करके वहां पे कुछ फ्लायर आप शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है, अगर तब भी आपको लीड्स डेफिनेटली मिलेगी, अगर तब भी आपको लग रहा
रहा है कि अभी लीड्स नहीं आ रही, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड सिंपली नॉर्मल रन कर सकते हैं, डेली का 100-200 रुपए का बजट लगा के, तो वहां से भी आपको लीड मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बेसिक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्केटिंग का, वहां से आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगे, लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करो। जो कंपनी है आपके साथ, जिनसे आपने टूर पैकेजेस लिए हैं, B2B जो टूर पैकेजेस आप ले रहे हैं वहां से, हिमाचल के या किसी भी डेस्टिनेशन के, तो वो आपसे प्रॉपर टच में रहोगे। आप उनके किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है, कस्टमर को जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, बजट, लग्जरी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, या किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उनसे मॉडिफाई करवा के उसको आगे भेज सकते हैं। उसके बाद आपको उनको बात करनी है, उनसे कुछ मॉडिफिकेशन और करना है, कुछ जो भी क्वेश्चन है बजट में या सर उस चीजों को लेके कि किस तरीके से पैकेज होएगा, आइटनरी कैसी होगी, होटल कैसे होगी, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है उनको। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आप अपना कम मार्जिन रख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। जब आपके पास थोड़े से क्लाइंट्स हो जाएंगे तो आप उनको भी दिखा सकते हो, देखो अभी मेरे क्लाइंट्स मनाली गए हैं, आप इनका फीडबैक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कन्वर्ट हो गई मार्केटिंग, पैकेजेस आपने बना लिए, मार्केटिंग आपने कर ली, सेल्स आपने कन्वर्ट कर दी। अब ऑपरेशन, ऑपरेशन पार्ट क्या होगा कि आपको देखो बेसिकली क्लाइंट के टच में रहना है, और जो बैकएंड का बेसिकली पूरा पार्ट, जो B2B एजेंसी जो आपने हायर की थी, जिनसे कॉन्टेक्ट किया था, टाई अप किया था, तो वो पूरा ऑपरेशन का पार्ट आपका हैंडल करेगी कि क्लाइंट का पिकअप कहां से होगा, ड्रॉप कहां से होगा, चेक इन कब होगा, चेकआउट कब होगा, उन उस कंपनी की ऑपरेशन टीम प्रॉपरली आपके क्लाइंट के टच में रहेगी। तो आप इस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें आप ऐड हैं, आपके कस्टमर ऐड हैं, जो ट्रेवल कंपनी जिससे आपने टाई अप किया है उनकी टीम से ऐड है जो ऑपरेशन हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से आपको भी पता रहेगा कि अच्छे तरीके से वो टूर पैकेजेस जो है सर्विस अच्छे से प्रोवाइड हो रही है। तो इस तरीके से आप अपना फर्स्ट टूर पैकेज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने कंप्लीट बात की। तो यहाँ पे देखो फैमिली फ्रेंड्स मैंने लिखा, लोकल ग्रुप्स हो गए सोशल मीडिया का यूज करके, और इस तरीके से आप अपना फर्स्ट पैकेज कन्वर्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इससे अदर देन अगर आपको ऑफलाइन मेथड यूज करना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपका लोकल एरिया वहां पे आप अपनी कंपनी के जो ब्रोचर्स है वो प्रिंट करवा के वो छपवा सकते हैं नियर बाय कि हमारा ये पैकेज है, अगर किसी को जाना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है, तो वहां पे आप या किसी भी अदर डेस्टिनेशन में, तो आप वहां पे हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या बहुत ही अगर आपको स्टार्टिंग में करना है कि बिल्कुल जो लोकल एरिया के जैसे होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो ये स्पिरिचुअल लोकेशंस है उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से जाना है हरिद्वार जाना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, या सालासर जाना है, या आपको जाना वृंदावन जाना है, या आपको अमृतसर जाना है, तो इस तरीके के आप पैकेज भी बना सकते हैं कि भाई हम यहां से चलेंगे, इस तारीख को चलेंगे, इतनी कॉस्ट है, सिर्फ 10 लोगों की हमारे पास सीट है, तो जिसको आना है आपको हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत जबरदस्त ये मेथड भी वर्क करने वाला है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपके लिए अच्छा मेथड हो, मैंने सारे बता दिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था। और उसके बाद जब आप फर्स्ट टूर पैकेज कन्वर्ट करेंगे, सेल करेंगे, वहां से प्रॉफिट होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बूस्ट होने वाला है। आप कहेंगे अब तो स्काई इज द लिमिट, आप डिफरेंट डिफरेंट बहुत लोकेशंस है, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, कश्मीर, गोवा, केरला, अंडमान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया में और कितनी लोकेशंस है इंटरनेशनली, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, यूरोप, कितनी सारी लोकेशन से, कितनी एक्टिविटीज है, कितने होटल्स है आपके लिए, मतलब पूरा जबरदस्त ये मेथड फिर वर्क करने वाला है ट्रेवल एजेंसी बिजनेस का। तो आप इस तरीके से ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं स्टार्ट, तो फर्स्ट टूर पैकेज कन्वर्ट करें। जब कन्वर्ट हो जाता है कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे, कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। आप बाकी वीडियोस मैंने बहुत एडवांस लेवल पे काफी वीडियोस बना रखी है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि ट्रैवल एजेंसी में स्कैम कैसे होता है, चैट GPT वर्सेस ट्रैवल एजेंट, फॉर ट्रैवल एजेंट, गूगल एड फॉर ट्रैवल बिजनेस, ठीक है, व्हाई ट्रैवल बिजनेस फेल्स, ट्रैवल इंडस्ट्री, स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम होम एंड अर्न 1 लाख मंथली, ये किस तरीके से हो रहा है, मेरे कुछ जो कस्टमर है जो वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से कर पा रहे हैं, ये चीजें आप बहुत सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। अपकमिंग वीडियोज में मैं वो फिर जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया हाउ टू सेल फर्स्ट टूर पैकेज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।